हे फ्रेंड्स, अभी तक हम अपनी कथलु माइथोस सीरीज के सभी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स और एंटिटीज को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम अपनी कथलु माइथोस सीरीज में लवक्राफ्ट की एक और मिस्टीरियस क्रिएशन द डीप वंस को जोड़ेंगे। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं कि आखिर डीप वंस है क्या। डीप वंस ओशन में रहने वाले क्रिएचर्स की एक इंटेलिजेंट रेस है जो मछली जैसी अपीयरेंस के साथ लगभग इंसानों जैसे हैं। अपनी रेस को हाइब्रिड बनाने के लिए ये रेगुलरली समुद्र के तटों पर इंसानों के साथ संबंध बनाते हैं। डीप वंस के बारे में ब्रीफ हिंट पहले एचपी लवक्राफ्ट की शॉर्ट स्टोरी डैगन में मिलता है, जिसके बाद ये प्रोमिनेंटली द शैडो ओवर इन्समाउथ 1931 में नजर आए। इन्हें और भी बहुत सी स्टोरीज में मेंशन किया गया है, जैसे कि द लेजेंडरी टाउन ऑफ इन्समाउथ, द अंडरसी सिटी ऑफ यहाथिलाई एंड द एजोटेरिक ऑर्डर ऑफ डैगन। लवक्राफ्ट की स्टोरी में पॉपुलर होने के बाद डीप वंस को और भी राइटर्स ने एक्सप्लोर करने की कोशिश, जैसे कि अगस्त टर्लेट। अकॉर्डिंग टू लवक्राफ्ट, डीप वंस समुद्र के नीचे रहने वाले ह्यूमनॉइड हैं, जो ओशन के डीप पार्ट्स को अपना घर मानते हैं। प्राइमरली मरीन क्रिएचर्स होने के बावजूद डीप वंस जमीन पर आ सकते हैं और लंबे समय तक लैंड पर सर्वाइव कर सकते हैं। सभी डीप वंस इमॉर्टल है, यानी अमर है। एक्सीडेंट और वायलेंस के अलावा इन्हें कोई भी नहीं मार सकता। ये अपने आप को मैसिव साइज तक ग्रो कर सकते हैं। डीप वंस के बारे में कहा जाता है कि ये ग्रेट कथलू के साथ अपने फादर डैगन और मदर हाइड्रा को सर्व और वर्शिप करते हैं। वैसे तो डीप वंस को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक मिस्टीरियस स्पीशीज जिसे ओल्ड गॉड्स या एल्डर गॉड्स के नाम से जाना जाता है, अपने पावरफुल मैजिक से डीप वंस को कंट्रोल कर सकती है। डीप वंस को मोस्टली फिश जैसे ह्यूमनॉइड्स की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, जिनके पास इंसानों और एम्फीबियन दोनों के ही ट्रेट्स मौजूद है, जैसे कि स्केल्स, रिस्ट बैक, वेब हैंड्स और गिल नेक्स। इनकी स्किन का रंग ग्रेश ग्रीन है, जो चमकीली तो है ही, साथ ही चिपचिपी भी। पर सबसे जरूरी ट्रेट्स है इनकी आंखें, जिन्हें ये बिना झपकाए लंबे समय तक खुला रखते हैं, और इनका सिर जो पूरी तरह से एक मछली से मिलता जुलता है। इनका चलने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। ये या तो कभी अजीब तरह से उछलते हैं या फिर जानवरों की तरह चार पैरों पर चलते हैं। रॉबर्ट ऑर्मस्टेड का मानना है कि डीप वंस एक अजीब सी क्रोकिंग वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कम्युनिकेशन के लिए एक एलियन लैंग्वेज का यूज। डीप वंस के बारे में जो स्टोरी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसे द शैडो ओवर इन्समाउथ नोवेल में मेंशन किया गया है, जिसके मुताबिक ह्यूमंस और डीप वंस एक समझौता करते हैं, जिसमें डीप वंस ह्यूमंस को ओशन के रिचेस जैसे कि जलीय जीव, सोना चांदी, हीरे मोती देंगे, और बदले में ह्यूमंस डीप वंस को इंसानों की बलि और ह्यूमन के साथ संबंध बनाने की परमिशन। ह्यूमंस और डीप वंस की इस मैटिंग से जो चाइल्ड या हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है, वो पैदा तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा होता है, पर अपनी मिडल एज तक आते आते वो इंसमत लुक यानी डीप वंस जैसी अपीयरेंस को ग्रो करने लगता है, जैसे कि उसके कान सिकुड़ जाते हैं, आंखें बाहर को आ जाती है, सिर छोटा या गंजा हो जाता है, स्किन डीप वंस की तरह ग्रेश ग्रीन, ग्लॉसी और चिपचिपी हो जाती है। जब ये हाइब्रिड चाइल्ड पूरी तरह से डीप वंस में बदल जाता है, तो इसे इंसानी दुनिया से दूर डीप वंस के साथ समुद्र की गहराइयों में भेज दिया जाता है, जहां ये बाकी डीप वंस की सोसाइटी का पार्ट बन जाता है। तो दोस्तों, ये थे डीप वंस कथलु माइथोस में प्रेजेंट एक और मिस्टीरियस और टेरिबल स्पीशीज, जो अपने आप को हाइब्रिड्स बनाने के लिए इंसानों तक से एग्रीमेंट करते हैं। आपको डीप वंस का करेक्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।